बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने अपना लास्ट काम भी होप सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। आज हम लोग आपका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, क्लास टू पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 118 पर क्वेश्चन हैं टाइम के। अच्छा, टाइम तो ऑलमोस्ट सभी को देखना आता है, अगर आपको नहीं देखना आता तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लॉक की हैंड्स कहाँ, क्लॉक के हैंड्स कहाँ पर हैं। आप लोगों को सबको पता है कि क्लॉक का एक छोटा हैंड होता है और एक बड़ा हैंड होता है, ऐसा ही है ना। और टाइम देखते वक्त हमें इन दोनों हैंड्स का ख्याल रखना पड़ता है। एक और भी हैंड होता है जो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, सेकंड्स वाला, हम उसको इतना बॉदर नहीं करते। हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, ये छोटे हैंड को और बड़े हैंड को, यानी कि जो छोटा हैंड है वो आवर्स वाला हैंड है और जो बड़ा हैंड है वो मिनट्स वाला है, और वो जो बिल्कुल फास्ट फास्ट चल रहा होता है ना वो सेकेंड्स वाला है हैंड, लेकिन हम उसको बॉदर ही नहीं करते, हम सिर्फ इन दोनों को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट पेज, क्लास टू पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट टाइम ईच क्लॉक शोन। तो आपने क्या करना है, टाइम बताना है जो कि हर घड़ी यहां पर शो कर रही है। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 3 पे, और बिग है 12 पे। 12 पे आर कंप्लीट हो जाता है, 12 के बाद जो मिनट स्टार्ट होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये बड़ा हैंड 5 यहाँ पर है, 1 पे है, तो हम कहेंगे 3 और क्लॉक एंड 5 मिनट्स। लेकिन अगर 12 पे है और छोटा हैंड 3 पे है तो इट्स 3 और क्लॉक। तो क्या टाइम हुआ, यहाँ पे 3 बज रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर डी, स्मॉल हैंड इज ऑन 5 एंड बिग वन इज ऑन 12, ऐसा ही है ना। तो 12 का मींस कि उसने आर कंप्लीट कर लिया, और 5 का मींस कि कौन सा आर कंप्लीट किया है, 5 ओ क्लॉक। ठीक है, पार्ट नंबर एफ देखें, पार्ट नंबर एफ पर स्मॉल हैंड है 8 पर और लार्ज वन इज ऑन 12। ठीक है, तो 12 का मीनिंग है कि आर कंप्लीट हो गया है, और स्मॉल हैंड से हमें पता चलेगा कि कौन सा आर कंप्लीट हुआ है, तो इट्स बिना 8 ओ क्लॉक। कौन सा आर कंप्लीट हुआ है, 8। ए डी और एफ पार्ट मैंने किए हैं, बी सी और ई पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क करने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? अगर किसी को समझ नहीं लगती तो आप वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रा हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। आपने क्या करना है, हैंड्स ड्रॉ करने हैं, जो टाइम आपको बताया हुआ है ना उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने हैंड्स ड्रॉ करने हैं, स्मॉल भी और लार्ज वन भी। तो उसने यहां पे टाइम आपको दिया 4, लाइक फुल कंप्लीट 4, तो स्मॉल वन विल बी ऑन 4। ऐसे ड्रॉ करें इसे, अपनी बुक्स पे ही करना है ये काम आप लोगों ने। और लार्ज वन विल बी ऑन 12। ठीक है, हो गए ड्रॉ, सबने ये काम साथ साथ करना है। 4 o'clock तो आपने शोन कर दिए। नेक्स्ट वन इज 9 o'clock।
नाइन विल बी स्मॉल हैंड नाइन पर एंड द बिग वन इज ऑन 12. तो ये क्या टाइम हो गया आपका 9 o'clock. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 2 o'clock. तो यहीं से मैं रेस करके ड्रॉ कर रही हूं. देखिएगा जरा, लार्ज वन को बना रहने दें यहीं पे. सिर्फ आर चेंज हो रहा है ना, घंटा चेंज हो रहा है. तो आप सिर्फ आर को रेस करें. 2 o'clock है तो स्मॉल विल बी ऑन 2 और बड़ी कहां रहेगी, बड़ी सुई अपनी जगह पे रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 2 o'clock के बाद है 11 o'clock. तो बिग हैंड विल बी ऑन इट्स प्लेस एंड शॉर्ट विल बी ऑन 11 बिकॉज इट्स 11 o'clock. ठीक है. 2 o'clock और 11 o'clock भी हो गया. नेक्स्ट वन विल बी, नेक्स्ट क्या है, 5 o'clock एंड 3 o'clock. रेस करें इन दोनों को, स्मॉल हैंड्स को रेस करें. फर्स्ट वन इज 5 एंड 3. तो 5 पर आ जाएगा मार्जिन. ठीक है. और 3 का 3 पे आ जाएगा. ठीक है. बाकी पार्ट्स आपने इसके होमवर्क करने. ओके, पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट द क्लॉक्स देन राइट द टाइम दैट इज 1 hour अर्लियर देन द टाइम शोन. टाइम आप सबको नजर आ रहा है कि यहां पे क्या हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि आपने जो टाइम आपको नजर आ रहा है इससे 1 घंटे पहले वाला टाइम लिखना है. तो 5 बज रहे हैं यहां पर, तो 1 घंटा पहले क्या होगा, 4 o'clock. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 1 o'clock. तो अर्लियर मीन कि आपने 1 घंटा पहले का बताना है, तो इट्स बिना 12 o'clock. इज दैट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स. इसके भी बाकी पार्ट्स आपने खुद से करने हैं होमवर्क. बहुत इजी ये टाइम वाला चैप्टर है. टाइम वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी होते हैं बिकॉज ये हमारी डेली रूटीन में यूज होते हैं. ठीक है. तो हमें पता होते हैं कि टाइम क्या है, कैसे है, कितने हुए हैं. नेक्स्ट वन पे आ जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ राइट द टाइम दैट इज 1 hour लेटर देन द टाइम शोन. जो टाइम आपको नजर आया हुआ है, पहले आप लोगों ने क्या किया, जो टाइम नजर आ रहा था उसे 1 घंटा पहले वाला आप लोगों ने टाइम लिखा है. अब आप लोगों ने कौन सा टाइम लिखना है, जो टाइम नजर आ रहा है उससे 1 घंटा बाद वाला टाइम लिखना है. ठीक है. 6 o'clock हो रहे हैं, तो 6 o'clock का मीनिंग है कि आपने 1 hour लेट लिखना है. तो इट्स मींस 6 हुए हैं तो ये 7 o'clock हो गया टाइम. ठीक है. 7 o'clock का टाइम हो गया. नेक्स्ट वन विल बी, नेक्स्ट वन आप लोग खुद से करेंगे. ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना क्लियर हो रहा है साथ साथ. नेक्स्ट वन इज 3 o'clock. तो 3 o'clock को 1 घंटा लेट आपने लिखना है, तो इट विल बी 4 o'clock. ठीक है. रिमेनिंग पार्ट्स इसके आपने होमवर्क में करने हैं. नेक्स्ट आप लोग आ जाएं पेज नंबर 121 पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देती हूँ और
क्वेश्चन नंबर 6 विल बी योर होमवर्क, और ये सारा होमवर्क आपने अपनी बुक पे करना है लाजमी, पेज नंबर 121 पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी, ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग, कि आपने कल की मॉर्निंग का लिखना है कि आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे मॉर्निंग एट, आपको कुछ टाइम्स दिए हुए हैं, आपने उन टाइम्स का बताना है कि कल सुबह आप इन टाइम्स पर क्या कर रहे थे। 5 o'clock, 5 o'clock के लिए क्या आएगा, स्लीपिंग, क्योंकि 5 बजे तो सब लोग सो रहे होते हैं ना, और अगर कोई नमाज के लिए उठता है तो वो क्या लिखेगा, वेक अप, कि वो उठ चुका है। 7 o'clock, 7 o'clock के लिए जो लोग 7 बजे उठते हैं, लाइक आपने अपनी डेली की रूटीन लिखनी है, ठीक है, तो आप सबकी चेंज भी हो सकती है क्योंकि आप लोगों को बेटर पता है ना कि आप इस टाइम पे क्या करते हैं, तो आप लोगों ने वो रूटीन लिखनी है अपनी। 7 o'clock वेक अप, 9 o'clock इन स्कूल, 9 बजे आप लोग स्कूल में होते हैं ना, 2 o'clock स्कूल टू होम, 2 बजे क्या होता है आप स्कूल से घर जा रहे होते हैं, मोस्टली रास्ते में होते हैं। 8 o'clock गो टू स्कूल, क्या करते हैं 8 o'clock आप स्कूल जाते हैं। 11 o'clock लंच ब्रेक, आपका 11 o'clock के अराउंड अबाउट होता है ना, तो लंच 11 o'clock। टुमारो आफ्टरनून एंड इवनिंग, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है वो मॉर्निंग का था, और अब आपने किसका लिखना है, आफ्टरनून और इवनिंग में आप 4 टाइम्स आपको दिए हुए, 2 o'clock 5 o'clock 6 o'clock एंड 9 o'clock, तो इन 4 टाइम्स टाइमिंग्स पे आप दिन में या शाम में क्या करते हैं वो आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोज़ की प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर कैरी आउट नहीं होता, तो आप लोगों ने एक तो जब मैं करवा रही होती हूँ तब मेरे साथ सॉल्व किया करें अपनी बुक्स पे, अगर बुक्स पे करने वाला काम है, नोटबुक्स पे करने वाला काम है तो नोटबुक्स पे किया करें, जो आज हमने काम किया ये सारा बुक्स पे करने वाला काम है, तो इसको बुक्स पे करेंगे आप लोग, ठीक है। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग घरों में स्टे करने की कोशिश करें, और अपने पेरेंट्स से भी कहें कि वो घरों में रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।